आजकल देखा जा रहा है कि बच्चे बहुत परेशान हैं। यूं तो कक्षाएं लग रही है लेकिन ऑनलाइन लग रही है। ऑनलाइन कहीं बच्चे को उठकर कुछ भी करने नहीं देती, बस घर का एक कोना पकड़ो और शोर शराबे से दूर अपने कान को, अपनी आंखों को एक मोबाइल या किसी लैपटॉप तक सीमित रखो। डिस्टर्बेंस का तो ये आलम है कि बच्चा देखे तो देखे क्या, उसे घर भी देखना है, उसे कंसंट्रेट भी करना है और नोट्स भी लिखना है। कई बच्चे हैं जिनके पास ठीक से फोन भी नहीं है, और कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास फोन होने के बावजूद वो साधन नहीं है जिस तरह से वो इतनी सारी चीजें कर ले। और एक कक्षा में अगर 70-80 बच्चे तक हो तो टीचर का काम उस एक घंटे या दो घंटे में उस सिलेबस को खत्म करना होता है। इसके साथ ही असाइनमेंट्स का सिलसिला शुरू होता है। मैं ये अपनी आप बीती बता रहा हूं। जो बात मुझे इस मंच से कहनी थी तमाम लोगों तक, वो थोड़ी सी दुखदाई है, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये जितनी जल्दी हम समझ जाए उतना अच्छा। कुछ धारणाएं और कुछ शिक्षा घर से शुरू होती है। मैं ये भी देख रहा हूं कि वो शिक्षाएं जो बाहर से मिल रही है वो शायद चंद दिनों तक रहेगी, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगे आज नहीं तो कल। जो शिक्षा हम घर से शुरू कर सकते हैं और उसको हम तमाम जिंदगी बच्चों के काम ला सकते हैं, उसी के लिए आज ये एक स्पेशल बच्चों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो बच्चे जो छोटे हैं जिन्होंने अभी तक स्कूल नहीं देखा उनके लिए भी है। बच्चों को सिखाए, क्या सिखाए, ये जो मैं आपके दर्ज कर रहा हूं। पहले बच्चों को सूजी, मैदा और आटे में भेद करना सिखाइए। पहले बच्चों को मूंग, मसूर, उड़द, चना और अरहर पहचानना सिखाइए। पहले बच्चों को मक्खन, घी, पनीर, चीज के बीच का अंतर और उन्हें बनाने की जानकारी सिखाइए। पहले बच्चों को सौंठ और अदरक, अंगूर और किशमिश, खजूर और छुहारे के बीच का अंतर सिखाइए। पहले बच्चों को दालचीनी, कोकम, राई, सरसों, जीरा और सौंफ पहचानना सिखाइए। पहले बच्चों को आलू, अदरक, हल्दी, प्याज और लहसुन के पौधे दिखाइए। पहले बच्चों को मेथी, पालक, चौलाई, बधुआ, सरसों, लाल भाजी में फर्क सिखाइए। पहले बच्चों को फलों से लदे पेड़ों, फूलों के बागीचे दिखाइए। पहले बच्चे को गाय, बैल, सांड इन सब का फर्क सिखाए। गधे, घोड़े और खच्चर में अंतर समझाइए। पहले बच्चों को दिखाएं कि गाय, भैंस और बकरी से दूध कैसे दुआ जाता है। पहले बच्चे को कीचड़ और मिट्टी में उलट पलट होना सिखाइए। बरसात में भीगना और गर्मियों में पसीने से तरबतर होना सिखाइए। पहले बच्चों को बुजुर्गों के पास जाना, उनसे बातें करना, उनके साथ खेलना और मस्ती करना सिखाइए। बड़ों से तमीज से बात करना और घर के काम धाम में माता पिता का सहयोग करना सिखाइए। इन सब के बगैर आप बच्चों को कोडिंग सिखाना चाह रहे हैं तो आपका बच्चा एटीएम बनेगा। समस्याओं का व्हाइट हैट जूनियर की जल्दी क्या है, कोडिंग भी सीख लेगा। पहले डीकोडिंग तो कर ले अपने आसपास की। बचपन को जिंदा रखे, मरने ना दे। हाथ जोड़कर सबसे निवेदन है, माता पिता, मेरे भाई बहन, सबसे यही वंदन है कि अपने बच्चों को मशीन मत बनाइए,
उन्हें उतना समय भी खुला दीजिए कि वो ये सब समझे। जिंदगी समझने के लिए किताबों से बाहर भी बहुत कुछ है। मेरा इससे साफ कहना है कि किताबें जरूरी है, लेकिन जिंदगी इसके बाहर भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि अच्छा इंसान बनाना आपके हाथ में है। और एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा नागरिक बन सकता है और देश के काम आ सकता है। जय हिंद, जय भारत।